ये वाकया आज से तकरीबन 10 साल पहले का है जब मेरी बहन मेडिकल कॉलेज में पढ़ा करती थी। कई बार वो अपने साथ इंसानी हड्डियां भी ले आती और देर रात तक पढ़ती रहती। अब क्योंकि हम दोनों रूम शेयर करते थे तो मेरी बहन और मेरी उन हड्डियों को लेकर अक्सर बहस हो जाती कि इनको कमरे में ना लाया करो। फिर एक रात थके होने की वजह से मैं कब और कहाँ सो गई पता ही न चला। हस्पे मामूल मेरी बहन रात तक पढ़ रही थी, फिर वो लाइट्स ऑफ करके वॉशरूम चली गई। फिर जब वो वॉशरूम से वापस आई तो उसने देखा कि एक बहुत ही खौफनाक इंसान उन हड्डियों के पास खड़ा है। उसकी आंखें लाल थीं और वो बहुत ही अजीब तरीके से हंस रहा था। उस शख्स को देखकर तो मेरी बहन जैसे एक जगह जम गई। सत्ते की हालत में उसके मुंह से तो कोई आवाज भी ना निकल पा रही थी। इतनी ही देर में उसका जिस्म आसमान पे जाके जमीन पे गिरने लगा, जिसके बायस उसकी कमर में शदीद चोटें आई और वो बेहोश हो गई। हमने जब सुबह उसको बेहोशी की हालत में देखा तो फौरन हॉस्पिटल ले गए। उसने हमें सारा वाकया सुनाया और हम भी बहुत परेशान हो गए और खौफ में मुब्तला भी। 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रहने के बाद जब वो कॉलेज गई और उसने अपनी दोस्त को सारा वाकया सुनाया तो उसने भी यही बताया कि उसके साथ भी इस हड्डी को लेके कुछ अजीब वाकयात हुए थे। ये सारी बात जब उसने अपने प्रोफेसर को बताई तो वो भी काफी परेशान हुए और उन्होंने आमिर साहब से बात करके उस हड्डी को दफना दिया। हाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई गूज़बम्प्स वर्दी वाकया हुआ है और आप अपनी कहानी फीचर कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करें। बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।